जुंगलपुर से अब तक की आपको सबसे बड़ी खबर आवाज न्यूज के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। बता दें जुंगलपुर में डीएसटी टीम को मिली है बड़ी सफलता। जानकारी के लिए बता दें कि डीएसटी टीम ने कार से गुटखा व्यापारी की, जी हां, गुटखा व्यापारी की कार से 1.5 करोड़ की अनुमानित राशि को 3 लोगों के साथ किया है डिटेन। डीएसटी टीम व कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शहर के शहीद पार्क कॉलोनी से एक कार से गुटखा व्यापारी के साथ 3 लोगों को किया डिटेन। थाना अधिकारी दिलीप दान ने बताया कि डीएसटी टीम ने गुरुवार सुबह शहर के शहीद पार्क कॉलोनी में एक कार से गुटखे के होलसेल व्यापारी डूंगरपुर निवासी गोवर्धन पुत्र लीलाराम तेजवानी के साथ कहडोर तालुका उजा जिला महसाणा निवासी भरत भाई पुत्र पुरुषोत्तम भाई पटेल को 1,37,99,500 रुपए के साथ डिटेन किया। पुलिस ने मैं कार राशि के साथ तीनों को डिटेन कर कोतवाली थाना लाया गया, जहां आगे की कार्रवाई जारी है। डीएसटी ओर से कार्रवाई की गई। आज सुबह हमारी डीएसटी टीम को इतला मिली थी, कोई छोटा व्यापारी है, उसके वहां से बड़ी मात्रा में अवैध राशि कोई सप्लाई हो रही है, जिस पर हमने पुलिस थी तो एक सियाज गाड़ी में व्यापारी और दो उसके साथ में और थे, उनसे पूछताछ की और उनके पास 2 थैलों में करीबन 1,38,500 रुपये का वो मिले, जिनको हमने जब्त किया है। आगे का अनुसंधान जारी। कुछ पूछताछ में बताया कि राशि कहाँ दी जा रही थी, क्यों दी जा रही थी? प्राथमिक तौर पर उन्होंने बताया है कि ये हमारे जो विमल फुटका व्यापारी है उनसे हमारा इकट्ठा किया है।